नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ये बेस्टन का टीवी आया है रिपेयरिंग होने के लिए और ये पूरी तरह से डेड है, इसमें सप्लाई नहीं बन रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा बोर्ड लगा है और क्या प्रॉब्लम है, आपको इसमें दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये वाला इसमें बोर्ड लगा है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बेस्टन का जो टीवी आता है उसमें छोटा बोर्ड लगा रहता है, ये वाला इसमें बोर्ड लगा है। तो चलिए चेक करते हैं सप्लाई, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसके वोल्टेज देखते हैं, देते हैं इसमें सप्लाई कहां पर क्या प्रॉब्लम है। हालांकि दोस्तों आजकल इनका मार्केट बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी आते हैं रिपेयरिंग होने के लिए, बहुत से लोगों के पास हैं इस तरह के टीवी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहे हैं 325 वोल्ट के करीब आ रहा है और हम इसके आउटपुट जहाँ पर 110 सप्लाई आउट होती है वहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई नहीं बन रही और इस पर देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है उस पर, और इसके बेस पर वोल्टेज देखेंगे, इस पर बेस पर वोल्टेज कुछ मिलने चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि अगर सप्लाई नहीं बन रही है तो सप्लाई नहीं बनने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा रहता है तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाता है तो भी सप्लाई नहीं बनती है, क्योंकि सप्लाई यहाँ से बनती तो है लेकिन जो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो ये सप्लाई यहाँ से ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि आगे शॉर्ट सर्किट बन जाता है जिसकी वजह से सप्लाई आउट नहीं होती और पावर इंडिकेशन की जो LED है वो नहीं जलती। तो इस ट्रांजिस्टर को हम एक बार चेक करते हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो ट्रांजिस्टर को चेक करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रांजिस्टर तो ओके है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम इसी सेक्शन में है, पावर सेक्शन में। तो जो ये फिल्टर कैपेसिटर है इस पर वोल्टेज स्टोर रहते हैं, अगर सप्लाई इधर आउट नहीं होगी सेकेंडरी में तो यहाँ पर वोल्टेज स्टोर मिलेंगे आपको फिल्टर कैपेसिटर पर, तो इस पर वोल्टेज अभी स्टोर है, ठीक है। तो मैं इस वोल्टेज को यहाँ से डिस्चार्ज कर देता हूँ कि डिस्चार्ज कर किए बिना हम इसको काम नहीं कर सकते। देखिए कितना वोल्टेज स्टोर है इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो बेस है इस बेस पर सप्लाई मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, तो इसका क्या रीज़न होता है अब देखते हैं। कलेक्टर पे आ रही है और ये कलेक्टर, ये इसका एमीटर है, एमीटर ग्राउंड से जुड़ा रहता है और इस बेस पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। इस बेस पर वोल्टेज नहीं मिलने का रीज़न यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है एक 3807, इसके कलेक्टर पे भी वोल्टेज मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसको वोल्टेज आखिर आते कहाँ से हैं, तो ये पॉजिटिव सप्लाई से इसको वोल्टेज मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये सप्लाई आ रही है और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सिरा यह है, एक ये है, तो इस सिरे पे यहाँ पे वोल्टेज जो कैपेसिटर से जुड़े हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे। एक रेजिस्टेंस ये है सीरीज में, एक ये है, तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहे आप देख सकते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फिर बाहर निकाल करके हम चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस बंद है, तो यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल ली है और इसको एक बार हम चेक करते हैं। इसकी वैल्यू है 120 किलो ओम, ठीक है।
तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसे। देखिए रेजिस्टेंस पूरी तरह से बंद है, ठीक है, रेजिस्टेंस बंद है। और ये जो एक रेजिस्टेंस है ये तो सही है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी थी ये बंद है, तो इसकी जगह पहला वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, ये सही है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है 120 किलो ओम, और इसी से वोल्टेज यहाँ पे पहुँचते हैं, और जब तक ये वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पर नहीं पहुँचेंगे तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, पूरी तरह से सेट डेड रहेगा, स्विचिंग क्रिया जो ट्रांजिस्टर करता है वो नहीं करेगा, और हमारी सप्लाई डेड रहेगी। तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम वापस यहाँ पे लगा देते हैं, तो दोस्तों हमने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी है, ये देखिए। अब इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं वोल्टेज आउट होते हैं या नहीं। तो सीरीज में चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ गए हैं। मैं इसे पावर से ऑन करता हूँ एक बार, क्योंकि पहले हमें सीरीज में ही चेक करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज 110 वोल्टेज आ चुके हैं, ठीक है, और हमारा पावर सप्लाई सही है। और इस रेजिस्टेंस बोर्ड को ऑन होने या सप्लाई को ऑन होने के बाद इन रेजिस्टेंस को हम हटा भी सकते हैं, जैसे किसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है या धक्का मारने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इन रेजिस्टेंस का काम भी ये होता है कि इन रेजिस्टेंस को जैसे अब सप्लाई इस समय बंद रही तो हम इसको हटा भी सकते हैं तो भी हमारा टीवी ऑन रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसे ऑन करने के लिए इन रेजिस्टेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है, इनके बिना ये सप्लाई ऑन नहीं होती है। ऑन होने के बाद में तो इन रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं और हमारा पावर मतलब सप्लाई चालू रहती है। तो ये छोटा सा फॉल्ट था, इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब हमारा टीवी ओके है, अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ भी दिखा देता हूँ, अब देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना।